सिद्धार्थनगर जिले के राजस्व पुलिस और एसएसबी की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारत नेपाल सीमा से सटे गांव से भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया। बरामद किए गए खाद्यान्न तस्करी कर नेपाल ले जाने के लिए रखे थे। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी में 226 बोरे गेहूं चावल के बरामद हुए। एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई छापेमारी भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर से सटे पिपरवाह गांव और उसके आसपास के 3 जगहों से की गई। इस छापेमारी के बारे में एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा ने बताया। मौजूदा समय में भारत नेपाल सीमा पर खाद्यान्न के तस्करी की शिकायत कई दिनों से मिल रही थी। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पर जिले के राजस्व एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनकर छापेमारी की गई, जिसमें खाद्यान्न की बड़ी बरामदगी संभव सकी। एसडीएम सदर ने बताया, बरामद किए गए खाद्यान्न को 3 जगहों पर स्टोर करके रखा गया था। मौका देखते ही इन्हें साइकिल से खुली सीमा का फायदा उठाते हुए नेपाल पहुंचा दिया जाता। उन्होंने कहा, इस वक्त शासन पर हमेशा की तरह अलर्ट मोड पर है। खाद्यान्न की तस्करी किसी भी हाल में ना हो, इसके लिए प्रशासन संकल्पित। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। मुखबिर और एसएसबी की सूचना के आधार में आज राजस्व टीम, पुलिस टीम और एसएसबी की टीम ने कई जगह स्थलों पर हमने छापामारी की और जिसमें 226 बोरी गेहूं और चावल प्राप्त किया गया है। अभी इसमें किसी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा शिकायत मिलती है कि साइकिल के द्वारा इसको नेपाल में तस्करी किया जाता है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमारी टीम पूरी सक्रिय है और इन सभी स्थलों को सीज कर दिया गया है और आने वाले समय में भी जहां भी तस्करी किया जाएगा उसके खिलाफ एक सघन अभी परीक्षण अभियान करके उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर, लगातार इस तरह की शिकायत कई बॉर्डर से आती है कि सर क्या वहां पे भी माना जाए, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी आपके? हाँ, सारे बॉर्डरों पे हम एक अलर्ट मोड पे हैं, किसी प्रकार से तस्करी नहीं होने दिया जाएगा। इसी के अनुक्रम में हमने ठोठरी बाजार में लगभग 350 बोरी गेहूँ पकड़ा गया था और जो भी सूचना मिलती है या स्वयं के द्वारा भी जो संज्ञान में आता है, जिस स्थल पे अगर सूचना मिलेगी हम लोग एक सघन अभियान करके उसको रोका जाएगा और किसी भी प्रकार से तस्करी को होने नहीं दिया जाएगा।